अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ग्राफिक्स वर्ल्ड सरकार। और मैं हूँ आपका दोस्त मलिक मोहम्मद सत्यन। जो मेरे प्रोफेशनल दोस्त हैं वो ये फाइल कोरल ड्रा में भी ले सकते हैं। वो मैं अपना ईमेल आईडी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उनको मैं ये फाइल दे दूंगा। और जो मेरे दोस्त हैं न्यू सीखने वाले नए हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी ये फाइल ना लें आप और ये मुकम्मल सीखें। इंशाल्लाह आप ये खुद बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। सब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास 4x2 का। यहाँ पर मैंने एक साइज लिया, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कैसे बनाया मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। ये देखो दोस्तों, ये मैंने इसमें बैकग्राउंड वगैरह लगाए थे, ये भी मैंने लगाया था, इसकी मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी थी। ये भी आपको दे दूंगा फाइल में। इसके बाद हम क्या करेंगे वो भी आपको बताऊंगा, मुकम्मल तरीका कार्ड बताऊंगा। ये जो मैंने लिखा है A1, ये मैंने यहाँ पर कैसे लिखा वो आपको बताने लगा हूँ मैं। ये मैंने पहले वाला डिलीट कर दिया। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स लेने के बाद मैंने F10 प्रेस किया और इसको सिंपली ऐसे कर दिया आपने राइट क्लिक से, और अपने फॉन्ट को उठाकर मैं इसके अंदर ले गया। फॉन्ट को अंदर ले जाने के बाद मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। ये देखे दोस्तों, इस साइज इस डिजाइन में मैंने कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे वाले बॉक्स को पकड़ के ऊपर वाले बॉक्स को पकड़ के आपने इंटरसेक्ट करना है और इस बॉक्स को डिलीट कर देना है। ये फॉन्ट थोड़ा सा बाहर, इसको लेफ्ट राइट किया, इसको थोड़ा सा मैं अंदर ले गया और राइट क्लिक किया। ये देखे दोस्तों, फिर मैं इसको थोड़ा सा राइट लेफ्ट क्लिक करके अंदर लेके गया और राइट क्लिक किया, ये वाला हो गया। फिर मैं थोड़ा सा इसे अंदर ले गया और ये कलर कर दिए। यहाँ पर मैंने ये जो कलर लगाया है वो आपको बताऊंगा कि ये मैंने कलर कैसे लगाया है। यहाँ पर मैं जी प्रेस करूँगा और यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मैंने येलो दे दिया और इस तरफ मैंने वाइट दे दिया। यहाँ पर ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है वो भी आपको बता देता हूँ। पहले हम इसको फॉन्ट को हम इसके ऊपर रख देंगे। तो आपने ज़्यादातर जो सीखना है वो आउटलाइन के बारे में सीखना है और आपने इस बॉक्स जो मैंने बनाया है, डिज़ाइन बनाया है, इसके बारे में सीखना है। वैसे तो आप इंशाल्लाह सीख ही जाएंगे। यहाँ पर मैं एक और बॉक्स क्रिएट करता हूँ, यहाँ तक F10 प्रेस किया और इसको ऐसे ले गया। यहाँ पर फिर मैंने ये वाला कलर दिया, जी प्रेस किया और यहाँ पर मैंने वाइट कर दिया। ये दो डिज़ाइन मेरे पास पड़े थे, ये दोनों एडिटेबल हैं, इसमें हम कोई भी कलर कर सकते हैं। ये एक उठाकर मैंने, आप अगर आपके पास कलेक्शन नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसे भी अच्छा कलेक्शन दूंगा डिज़ाइनिंग का। जिन जिन दोस्तों को मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट है वो मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारा डेटा देने वाला हूँ। ये दोनों मैंने ग्रुप किए, ग्रुप कर देने के बाद मैंने शिफ्ट दबाकर नीचे वाले बॉक्स को क्लिक किया और CE प्रेस किया तो इसके बिल्कुल सेंट्रलाइज में आ गया। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया और इस पर हमने अपना इंग्लिश वाला लिख दिया जो हमारे पास था, ड्राई क्लीन वगैरह। इसके बाद हमने क्या करना है, इस डिज़ाइन को मैंने नीचे रख के पावर क्लिप कर दिया और इस डिज़ाइन को मैंने रखा यहाँ पर और शिफ्ट पेज डाउन किया। इस बॉक्स को मैंने शिफ्ट पेज डाउन किया और इस पर राइट क्लिक करके मैंने इसके अंदर पावर क्लिप कर दिया। राइट क्लिक कर मैंने एडिट किया और इस बॉक्स को मैंने यहाँ पर शिफ्ट पेज डाउन कर दिया। ये हमारा डिज़ाइन बन गया। इसके बाद आपने यहाँ पर जो चीज़ भी लगानी है यहाँ पर आप लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये वाली इस्त्री वगैरह भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
शिफ्ट पेज अप कर दें इसको। यहाँ पर ये जो खास चीज है ड्राई क्लीन लिखा हुआ है, नीचे वाले आउटलाइन देखें, मैंने आउटलाइन यहाँ पर दी हुई है 5 और इसको आउटलाइन दी है मैंने 2.5। ठीक हो गया, फिर ऐसे हमारा ये डिज़ाइन बनना है। ये जब प्रिंट होकर आएगा तो बहुत बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर हम कोई भी बात लिख सकते हैं अपने ड्राई क्लीन शॉप के बारे में। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको थोड़ा सा हम छोटा बड़ा भी करेंगे, इतना ज़्यादा इसको भी अंदर नहीं देके जाएंगे डिज़ाइन को, नहीं तो हमारा डिज़ाइन यहाँ पर ख़राब हो सकता है। यहाँ पर प्रोपराइटर वगैरह जो आपने लिखना है लिख सकते हैं और नंबर भी आपका यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। ये वाला डिज़ाइन भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। राइट क्लिक करके आपने पावर क्लिक कर देना। ये देखिए दोस्तों, आपका डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो मज़ीद वीडियोस के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, ये जो मैंने A1 लिखा हुआ है ये मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पर मैंने ये कलर लिया और यहाँ पर मैं इसको जी क्या करता हूँ, बिल्कुल ये वाला सर्कल लिया, सर्कल मैंने यहाँ तक ले लिया। सर्कल लेने के बाद मैं अपने फ़ोन को क्लिक करके नीचे वाले बॉक्स को क्लिक करके मैंने इंटरसेक्ट किया। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे हमने इसको डिज़ाइन कर लिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इम्बोज कैसे करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।